आईटीसी शेयर को। आईटीसी में कल हमने देखा था कि एक बड़ा कट लगा था, 4.5% के आसपास का आईटीसी में। आज थोड़ी थोड़ी रिकवरी हम देख रहे हैं, 1.5% के आसपास की। कपिल जरा चेक करेंगे आईटीसी में जो तेजी आज हो रही है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी? बेसिकली एफएमसी का जो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था, एक दिन का ब्रेकआउट आया, उसके बाद में रिट्रेस हुआ, आज फिर से एक मोमेंटम आ रही है जो कि हेल्दी साइन है। और आईटीसी ने भी अपना जो बेस लेवल था काफी टाइम पहले का 425 के लेवल का, वहां पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। और वहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेज का जो कॉम्प्रेशन हम कहते हैं कि हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। सेलिंग क्लाइमेक्स हो जाने के बाद में पूछे कि रिकवरी तो मुझे ऊपर में आ रही है, तो जो कल का लो है 425 वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन सकता है फॉर अपसाइड ट्रेड। और ऊपर में जो मैं देखता हूँ तो इसके स्टॉक के टारगेट कहाँ है, कहाँ पे 442 से 445 तक बन सकते हैं। धीरे धीरे करके मजार अपने आप को ठीक करने की कोशिश तो कर रहा है।